शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तुझे कौन बचाएगा? शोरील बनाई थी करण कुमार पर ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े फिल्म स्टार हैं। वो सही मायने में एक ऑलराउंडर हैं। और तुम चाहती हो हम मान ले कि वो फिल्मों के बादशाह है? हाँ, वो बहुत बड़े स्टार हैं। वो फिल्मों में उस वक्त आए थे जब खूबसूरत चॉकलेट हीरो चलते थे बॉलीवुड में, लेकिन अपने अनोखे चेहरे के बावजूद वो कामयाब हुए। बहुत मेहनत की उन्होंने। मेहनत सभी करते हैं। सो तो है, उन्हें बहुत मुश्किलें आई। हाँ, तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। अपने जमाने में करण कुमार ने फैशन का नया दौर तक शुरू किया था। उनके फैंस उन्हें कहते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड। वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि इतने बड़े एक्टर पर तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री को IFC क्यों सपोर्ट करे? Well, ये वेस्टर्न लोगों के लिए इंडियन फिल्म कल्चर समझने का अच्छा मौका है, यानी बॉलीवुड कल्चर। ये क्या कह रही हैं आप? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारे साथ है क्या? मैं करण कुमार तक पहुंचने वाले हर पल को कवर करना चाहती थी, इसलिए जर्मी को मैं अपने साथ ले आई। आई होप यू डोंट माइंड। वैसे ये सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैमरामैन है इस कंट्री के। ओह, ठीक है। कोई बात नहीं, ये कम से कम बैठ तो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते करण कुमार कितने पॉपुलर हैं। मंदिर में लोग उनके डायलॉग्स बोला करते हैं, फैंस उन्हें खत लिखते हैं अपने खून से। ये तो पागलपन है। जब वो टॉप पर थे, अचानक अफवाहें फैली कि वो नहीं रहे, और तब इंडिया में लाखों औरतों ने अपनी कलाई काट दी। रियली? अब ये तो कुछ ज्यादा हो गया मिस्टर आसिया। अगर आप बिलीव नहीं करते तो बाहर जाइए और किसी भी इंडियन को पूछिए करण कुमार के बारे में। हम अभी इसका फैसला कर लेते हैं। ओके क्रिस्टल, सुनो जैनिस, क्या तुम स्टाफ में किसी इंडियन को जानती हो जिसे तुरंत यहाँ भेज सको? मिसेस जोन्स? ओह हाँ, उन्हें जल्दी यहाँ भेज दो। थैंक यू। अच्छा किया मार्टिन, गुड आइडिया। अब देखते हैं। कम इन। मिसेस जोन्स, वी आर वेरी सॉरी आपको तकलीफ दिया, पर आप तो इंडियन हैं, यस? नहीं मैडम, मैं इंग्लैंड की रहने वाली हूँ। पर आप इंडिया में पैदा हुई थी, इज दैट राइट? लेकिन मैं तो यहाँ 25 सालों से हूँ। घबराए मत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप क्या जानती हैं इंडियन एक्टर करण कुमार के बारे में। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं?
ओह नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ यही जानना है कि आप उनके बारे में क्या जानती है। अब उन्हें कौन नहीं जानता। आप उनके फिल्म का कोई डायलॉग सुना सकती हैं? या वो गाना क्या था वो? रोड डांसर, रोड डांसर, रोड डांसर, माय डियर किंग ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू मिसेस जोन्स, आपने हमारी बहुत मदद की। ये मदद नहीं, मेरी ड्यूटी है सर। मिस चौरसिया, आप कल सुबह आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं। थैंक यू। बॉलीवुड हम इंडियंस के लिए सिर्फ सिनेमा नहीं है, हम उसमें जीते हैं, वो हमारी रगों में है, वो हमारा बाइबल है। जानते हैं, आप एक इंडियन को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दीजिए, पर आप उससे बॉलीवुड को जुदा नहीं कर सकते। ये सच है। लो मैडम, जू आ गया। अभी किधर? 44 गुलमोहर स्ट्रीट। एक मिनट मैडम, अपन जरा देख कर आता है। बॉस, ये 44 गुलमोहर स्ट्रीट किधर है? मालूम नहीं भाई साहब। यार ये तो क्या आदमी है कि पैजामा। मैडम ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं इधर। ऑफ कोर्स है, ये देखो। क्या आप उनको पढ़ने को किधर आता है? आप बताओ ना, आपको जाने का किधर है? वो फिल्म स्टार करण कुमार का ऑफिस। अरे पहले काहे को नहीं बताया, केके का ऑफिस ना। शे, पहले अपन हर रोज किसी ना किसी को लेके उधर जाता ही था। आजकल आजकल तो उधर काला कुत्ता भी नहीं भौंकता है। आप बीबीसी? जर्मी देखो, केके, करण कुमार। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं फाइनली उनसे मिलने जा रही हूँ। हम करण कुमार से मिलने आए हैं, हमारा अपॉइंटमेंट है। बीबीसी? यस। नो, सीएनएन। सीएनएन वो क्या होता है? अरे साहब ने मेरे को बोला बीबीसी मैडम आने वाली है यहाँ, सिर्फ उनको एंट्री मिलेगा। तुम जाओ, साहब तो गए अपने शूटिंग पे। देखो मैं मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी, हम बीबीसी से हैं। कम, प्लीज कम, बैठिए। मैं उनको बुला के लाता हूं। बस यार रेटी, कोई ढंग के प्रोड्यूसर लाया। बीबीसी वाली आई है। बीबीसी नहीं, आईएफसी। आईएफसी बोलती है? पहले तो कुछ और ही बोलती थी। क्या करने का है, भागने का है क्या? अरे रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। तुझको अकल कब आएगी? हाँ ये वही है। और ये वीडियो का को मंगाया? शादी है किसी की? साथ में। ओह साथ साथ है। कोई बात नहीं। हेलो हेलो, क्रिस्टल चौरसिया, आप शायद रत्नेश हैं? रैटी, मुझे रैटी बुलाइए। सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। कम कम प्लीज कम कम। वेलकम वेलकम माय डियर, सॉरी सो सॉरी, मैं एक मीटिंग में फंस गया था। आपसे मुलाकात फाइनली हो ही गई मिस्टर कुमार, मैं बेहद खुश हूँ। आपको मेरा डॉक्यूमेंट्री के बारे में नोट मिला? वो नोट? हाँ, पर मैं बहुत बिजी था। प्लीज सिट डाउन। माय डियर, केके ने आज तक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए परमिशन नहीं दिया। After all, KK को इन सब के पीछे भागने की इच्छा नहीं। KK तो एक मामूली एक्टर है। नो नो मिस्टर कुमार, आप उस वक्त के आज के महान स्टार हैं, एक मिसाल है। कई पीढ़ियां आपकी फिल्में देखकर बड़ी हुई हैं। मेरी दादी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। योर दादी माँ? जब राम प्रसाद मेरे पति रिटायर हुए तो हम इंडिया रहने चले गए, तब मैं पहली बार वहाँ गई थी। और राम तो कॉलेज के जमाने से नहीं गए थे।
मैं बोर हो गई, अकेली पड़ गई। फिर मैंने देखनी शुरू की बॉलीवुड फिल्म्स और मैं तो बस दीवानी हो गई उस नौजवान स्टार करण कुमार की। हाँ, मेरी दादी माँ और मैं हर संडे को चुन चुन कर बॉलीवुड की फिल्में देखा करते थे, बहुत मजे करते थे। उन दिनों बॉलीवुड की फिल्में बहुत कम दिखाते थे हॉल में। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, लाइन्स भी जानती हूँ। ये तमंचा है मेरी जान, चल जाए तो चोट लगती है। तू लॉयन होगा जंगल में, मेरे सामने तू कुत्ते का पिल्ला है। बस बस। अच्छी नकल कर लेती हो केके की। हाँ छोटू चाय उधर पहले। ये नहीं लेंगे? नहीं नहीं, गुरुजी चाय नहीं लेते। थैंक यू। पक्का चाय नहीं पियेंगे? लो, ये तो अभी से शूटिंग करने लगा। जी हाँ, हर पल। हाँ, हाँ, जानता हूँ, हर पल एक अनोखा अनुभव है, ये खुद महसूस होता है मुझे। इतना ज्यादा हुनर भला कैसे हो सकता है बेचारे एक इंसान में? मेरे कंधों पर कितना बोझ है। गार्ड और पब्लिक के भरोसे तले दब गया है ये केके। ऑफ कोर्स मिस्टर कुमार, आपको कोई अंदाजा नहीं कि आप यूके के इंडियंस के बीच कितने पॉपुलर हैं। वो अभी भी वो लाइन दोहराते हैं जो आपने अपनी स्पीच में कही थी जब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। वो कब मिला था? बस 3 साल ही तो हुए हैं। पर उसके बाद आपने कोई फिल्म नहीं की, क्यों? ऐसा है, लोगों के प्यार और भरोसे का इतना बोझ था केके पर कि उसके बाद ऐसा वैसा रोल तो नहीं कर सकता था ना। मैंने उन्हें एक दो अच्छे रोल ऑफर किए थे, फादर के रोल, लेकिन केके ने मना कर दिया। मुझे कहा कि पब्लिक कबूल नहीं करेगी इसे। पर आप डॉक्यूमेंट्री तो करेंगे ना? मेरी एक कंडीशन है, कोई दखल अंदाजी नहीं मेरी प्राइवेट लाइफ में। नहीं नहीं, बिल्कुल वो प्राइवेट ही रहेगी, हैं? एस्पेशली मेरी वाइफ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच मिस्टर कुमार। मुझे केके को प्लीज। थैंक यू केके। तो कहां से शुरुआत करें? एकदम पहले से, जहां से आप जीरो से हीरो बने। जरूर जरूर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम कल सुबह यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा रहेगा। केके जी, एक जरूरी फोन है, अर्जेंट है। सॉरी, मुझे जाना होगा। कब? चलो मैं खुद तुम्हें गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। रत्नेश, मैं तुम्हें क्या बोला वो? मेरी कीमत एक फिल्म की टिकट जितनी भी नहीं है। वो साला एहसान फरामोश, के उसे बर्बाद कर देगा। सर जी, ये जो प्रोड्यूसर लोग हैं ना, वो आपका क्लास नहीं समझते, उल्लू के पट्टे हैं साले। पर मैंने भी कह दिया कि के जी के 7 समुंदर पार भी लाखों फैंस हैं और बीबीसी वाले उन पर फिल्म बना रहे हैं। ओए रत्नेश, तुम में अब वो पहले वाला दम नहीं। ऐसे कई स्टार हैं जो मुझसे सीनियर हैं, जो फिल्मों में वापस आ रहे हैं, पर तुम मेरे लिए लाते हो गेस्ट अपीयरेंस टीवी? नेवर। मैं एक धमाके के साथ लौटना चाहता हूं, बस। सर जी, सोलो हीरो में फिल्म मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यार सर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप प्लीज राहुल बाबा को राजी कर लीजिए। क्या यार, मैं कब से उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो उल्लू का पट्टा बनना चाहता है आर्किटेक्ट। राहुल के बगैर तो सर, सर आप मेरी खातिर प्लीज एक बार कोशिश कीजिए। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सबूत है कि आप कितना चाहते हो केके को। ये अवार्ड मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। कितने सालों तक मैंने आपको दी खुशी, डांस किया, रुलाया आपको। आप मेरी बंदूक की गोली है, मेरे पैरों की थिड़कन है। क्या बात है। मेरे रगों में बहने वाला खून है,
मैं आप लोगों की दाद देता हूं जो आप लोगों ने मुझे किंग ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिया। थैंक यू, थैंक यू। कम इन। आओ मेरे बेटे, आओ राहुल, वेलकम। अपने बाप को जब भी तो पा दे। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो हम घर पर नहीं कर सकते थे? अरे भाई, ये तो तुम्हारा दूसरा घर है बेटे। मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया क्योंकि मैंने तय किया है कि करण कुमार की इस परंपरा को तुम्हें सौंप दूं। कैसी परंपरा? इन खरीदी हुई बेकार सी ट्रॉफीज की? मैंने ये सल्तनत तुम्हारे लिए खड़ी की है, समझे? एक ऐसी सल्तनत जिसका सूरज कब का अस्त हो चुका है। पुत्र, स्टारडम तुम्हारा जन्मों जन्मों का अधिकार है। किस लिए? ताकि मैं अपने लिए ये कबाड़ इकट्ठा कर सकूं। देखिए डैड, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं मुझे फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है। बस पुत्र, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनने वाला। बहुत हो गया ये तुम्हारा आर्किटेक्चर फार्किटेक्चर। फिल्मों में दाखिल हो जाओ और मेरे नाम को रोशन करो। देखिए, कभी तो आपको इज्जत के साथ रुख्सत ले लेनी चाहिए और फिर क्यों ना आप पिता के रोल करें मेरी तरह। स्टारडम हमेशा तो नहीं रहती। जर्मी, तुम क्लोजअप लेना चाहोगे? कुछ उतरा हुआ सा है आपका चेहरा। नहीं, बस कुछ नहीं। ओह डियर, आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लीजिए टिश्यू। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही, ये तो साइन है। साइन है? यस, चिड़िया की बीट आप पर गिरना इंडिया में गुड लक साइन है। के को इसी घड़ी का इंतजार था माय डियर, अब वो एक सनसनीखेज ऐलान करेगा। पर यस क्रिस्टल, तुमने ठीक समझा। के एक नई फिल्म लॉन्च करने वाला है अपने आप। पर क्या यू अचानक? नहीं, मेरी प्लानिंग तो कई सालों से चल रही थी माय डियर। के को ऐलान करने के लिए एक सही मौके का इंतजार था, समझे? अब तो ऊपर वाले ने भी हरी झंडी दिखा दी। ओए रत्नेश, बाद में बात करता हूँ। मैंने बता दिया। व्हाट? क्या क्या? ओए, अपनी नई फिल्म के लॉन्च के बारे में। कांग्रेचुलेशन सर, जीते रहो। तो चलो, राहुल बाबा राजी हो। अरे नहीं, राहुल तो अभी कच्चा है। ये तुम्हारा जवान मैदान जंग में उतरेगा, वो भी अकेले, और इस बार के एज हीरो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। पर ये सोलो हीरो का? ओए रत्नेश, तू चुप कर, बस तैयारी कर ग्रैंड लॉन्च की। ओके सर, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आज मतलब कल, जब चाहे बता दीजिए। दिस इज ग्रेट न्यूज। फिल्म का नाम क्या है? कम। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहे। क्या है ये? एक सरप्राइज है, इसे राजी रखना। तुम गॉसिप तो नहीं करती ना? इसका नाम है धक 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 धक। ये है दिल के धड़कने की आवाज। धक 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 धक। ये टाइटल का आइडिया मेरा ही था। हाँ, है ना ग्रेट आइडिया। ये सब्जेक्ट पर एकदम फिट है। ये एक नई हटके लव स्टोरी है। यंग लव स्टोरी तो पुराना मसाला है, आजकल तो चल रही है शादी की फिल्में। मेरी बात मानिए सर। सानी, सानी, अगर तुम ऐसा आइडिया दोगे तो हमेशा असिस्टेंट ही बने रहोगे। चुप रहो। ऐसा है, आजकल विदेश में रहने वाले इंडियन का रोमांस बहुत फैशन में है। क्यों है ना? रोमांस? वो भी विदेश में? यस सर। ठीक है, तुम राइटर हो यार, तुम बेहतर जानते होगे। पर ये होनी चाहिए एक साफ सुथरी फिल्म, फुल फैमिली ऑडियंस के लिए, कोई मार धाड़ नहीं। सर जी, पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि आपको फिल्म में बंदूकें तो दिखानी पड़ेगी वरना वो फिल्म नहीं लेगा। लो देखो, तो राइटर साहब अब एक्शन चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत, पर नो सेक्स वेक्स। नो नो राइटर,
जी राइट सर राइट 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 अरे अंग्रेजी में राइट मतलब लिखो लिखो अरे यार एक लव स्टोरी में डायनासोर कैसे डाल सकते हैं यार हद है मेरे पास एक अच्छा आइडिया था सर बोलो फिल्म में एक मस्त रेप का सीन डाल दो अरे यार तू जा अपना काम कर चल यार ओ यार उसे बोलने तो दो ये लड़का जनता की आवाज है आ बच्चे आ बोलो बता मुझे सर, मेरे पास एक आइडिया था सर हाँ बोलो फिल्म में एक रेप सीन डाल दो ना ओए क्या बात करता है आजकल फिल्मों में रेप शेप नहीं होता चल अपना काम कर कोई छिचोरापन नहीं होगा अपनी फिल्म में क्लीन वेजिटेरियन डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म होगी एक यंग जोशीला चुलबुला कॉलेज रोमांस वो भी फॉरेन कंट्री में लंदन और उसमें केके का रोल होगा एक डैशिंग कॉलेज स्टूडेंट का कॉलेज स्टूडेंट लंदन में इतना गुस्सा आता है घुसट बुड्ढों के साथ काम करने का आजकल बॉलीवुड में नया फंडा है खूबसूरत शादियों का ब्याह का रिवाजों का पारिवारिक संस्कारों का ये कल के पिटे हुए लोग ये सब नहीं समझ सकते इनकी तो एक ही रट है बोरिंग टीनेज कॉलेज रोमांस और कुछ नहीं और शूटिंग करना फॉरेन कंट्री में स्विट्जरलैंड लंदन लंदन वाया स्विट्जरलैंड भाई वाह वेलकम टू लंदन आज मेरी बीवी को लड़ने के मूड में हम कल सुबह मिलते हैं ठीक है ओके सर जी वो रही कार हां रत्नेश तुम्हें फोन कर लेगा ओके वेलकम टू लंदन आइए मेरे साथ मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूं ओह थैंक यू कौन सी कार है वो काली वाली हां रत्नेश बाकी जोगरों का ख्याल रखना तुम गलतफहमी में मत रहना कि केके को तुम्हारे पैसों की जरूरत है चुप भाई क्या 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 केके के नाम पे पैसों की बारिश होती है यहां लंदन में भी मेरा आधा पैसा तैयार पड़ा है पर बाकी का आधा तो चाहिए ना केके चाहिए ना केके जी मैं आपके साथ काम करने के लिए बेताब हूँ आपको सल्लू से आधे पैसे मिल जाएंगे और मुझसे पूरा कोऑपरेशन मिलेगा सर जी ये वाकई हीरोइन बनने लायक है लड़की अच्छी है और वैसे भी केके तो एक पेड़ से भी एक्टिंग करवा सकता है ठीक है तुम्हें साइन किया ओए रत्नेश मुंह मिठा करवा अरे सब तैयार है सर जी ओए, ओए, ओए पहले उधर ओके ओके लो सलीम भाई मुबारक हो जी तो दोस्तों हम लोग एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाने वाले हैं मेरी नई हीरोइन खुश पर पहले एक बात बता दो बहुत चलो आओ के तुझे पैसे मिल जाएंगे हाँ ओके ओके अरे चलो कहा ना बाय बाय टेक केयर ओए रत्नेश पिक्चर शुरू करा यार पहले पैसे तो आने दीजिए सर पैसों की बारिश होती है ओए तू चुप कर धक धक ये एक बॉलीवुड फिल्म तो है पर पहले की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी ये फिल्म की सारी शूटिंग यहाँ होगी लंदन में एक्सक्यूज मी केके जी यहाँ शूट क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त हम इंडियंस तो अब हिस्सा हैं इस ग्लोबल विलेज का केके जी आपने पिछले 5 सालों में कोई फिल्म नहीं की तो ओ केके का हक है ना छुट्टी मनाने का एक बात जान लो मेरे फ्रेंड एक एक्टर का फन कभी नहीं मरता तुम अगर कुछ दिनों के लिए आर्टिकल नहीं लिखते तो तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट मर जाएगा क्या सर वापस आने की वजह गया ही कहां था मैं केके हमेशा यही था अपने चाहने वालों के दिलों के अंदर केके जी आपने डायरेक्टर बनने का फैसला क्यों किया मुझे लगा कि कोई डायरेक्टर मेरे हुनर को पूरी तरह से पर्दे पर उभार नहीं पाया और आप कर सकेंगे अगर मैं नहीं तो और कौन तुम सिर्फ केके ही अपने अंदाज को जानता है थैंक यू आप सब
थोड़ी मान लीजिए, मजे कीजिए, आइए आइए, आओ मल्होत्रा साहब, कैसे हो सर, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप शैंपेन तो लीजिए। नमस्ते भाभी जी, तेरे अरे हमारे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। ओए रत्नेश, सबका ख्याल रखना, सबके ग्लास भरे होने चाहिए, ये मेरी पार्टी है समझे, ऐश करो भाई, ऐश करो। प्लीज कम, प्लीज कम। अभी तक मंदिरा क्यों नहीं आई? अब पता नहीं क्यों। वो वहाँ पर। हाँ, वो आ गई। वो देखो आ गई। हाँ। ओ हाँ, मैंने सुना है कि के मंदिरा का इलाज करवा रहा है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा। एक्सक्यूज मी, क्या ये सच है कि मंदिरा को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है? ओ हमने कुछ नहीं कहा। ज्यादा मत पीना। कुछ देर बाद देखना उसका झूमना। झूमना गोल गोल घूमना। मंदिरा जी, समझ गया। आपको लंदन में देखकर बहुत खुशी हुई, कितने साल बाद, आप तो हमको भूल ही गई हैं लगता है। भाभी जी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत और जवान दिखती हैं। वो कहते हैं ना, एक बार जो फिल्म स्टार बन गया उसकी चमक कभी नहीं जाती। हम आपकी फिल्में बहुत मिस करते हैं। वेल, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं रिटायर होकर खुश हूँ। मां मैं राहुल, कितने हैंडसम हो गए हो, तुम्हें भी फिल्में साइन कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी माँ, आप बातें कीजिए, मैं जरा ड्रिंक लेकर आता हूँ। थैंक यू। चीयर्स दोस्तों, अभी तक तो आपने चखी हमारी चैंपियन, अब चखी है हमारा धक धक सॉन्ग। परिचय नहीं हो पाया। I'm Crystal Chaurasia। हाँ मैं जानता हूँ, आप इस महान एक्टर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो क्या आप भी उनकी तरह एक्टर बनने जा रहे हैं? मैं यूँ बंदरों की तरह तमाशा नहीं करना चाहता। पर तुम इससे दूर भी तो नहीं भाग सकते। आप मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आप सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? What you are, नहीं जानती है you, my heart go धक धक all the time, love का ये है danger sign। वो देखो, उधर उधर, वो फिल्म स्टार केके का बेटा है ना? हाँ, चलो मिलकर आते हैं। हे, तुम फिल्म स्टार केके के बेटे हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? hey, तुम क्या कर रही हो? ओह, कितना क्यूट है ना? इसका नाम राहुल है, तुम्हारा नाम राहुल है ना, स्वीटी? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं राहुल नहीं हूँ। अरे, ये क्या बेहुदापन है? कमॉन, कितना शर्माते हो। कमॉन, छोड़ दो इसे, जाओ यहाँ से। क्यूट, तुम उसकी बॉडीगार्ड हो? नहीं, उसकी मंगेतर। तो छोड़ दिया, हमें ये चाहिए भी नहीं, इसके डैड इससे कहीं ज्यादा सेक्सी है। पर मुझे एक निशानी चाहिए। जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं आपको ठीक लग रहा हूँ? उनकी शादी कई बार टूटते टूटते बची। आपको तो मालूम है कि पंजाबी मर्द कैसे हैं, वो तो पैदाइशी अय्याश हैं। और इनकी बीवियां भी तो खुश रहती हैं कि वो स्टार वाइफ्स हैं। ओहो क्रिस्टल, तुम आ गई एकदम सही वक्त पर आई, टाइम के पक्के होते हैं अंग्रेज लोग। कम कम, कोई तकल्लुफ नहीं। आज मैं तुम्हें अपनी कामयाबी का राज बताने वाला हूँ, मेरी मंदिरा। पर आपने तो कहा था कि आपकी प्राइवेट लाइफ और वाइफ से दूर रहना होगा। हाँ, पर मैंडी जान, देखो तो कौन आया है। हाय मिसेस कुमार। अरे डार्लिंग, ये क्रिस्टल है, बीबीसी वाली लड़की। ये तुमसे मिलने के लिए बहुत बोल रही थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है।
कुछ पीना पसंद करेंगी? नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, थैंक यू। अगर तुम इसे चॉइस दोगी तो ये कहेगी इंटरव्यू। इंटरव्यू? इंटरव्यू? इतने साल तो तुम ये कहते रहे कि एक ही स्टार फैमिली में काफी है, दूर रहो इस स्पॉटलाइट से। यस, मैं तुम्हें बचाना चाहता था डार्लिंग, बेकार वाहियात बातें लिखने वाले पत्रकारों से। पर ये तो बीबीसी है, मैं ये एक अरसे से प्लान कर रहा था, ये तो सम्मान है, है कि नहीं क्रिस्टल? के मैं बीबीसी से। हाँ, ये इससे इसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अरे दां का राय मेहमानों डिसअपॉइंट नहीं करते डार्लिंग, चलो कुछ अच्छा सा ग्लैमरस डाल लो, हालांकि तुम मुझे ऐसे ही सेक्सी लगती हो। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, उसे इतनी दूर से तुमसे मिलने आई तो मैं क्या करूं? अपना कैमरामैन भी साथ लाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं, प्लीज दिलचस्पी नहीं। अपनी पिंक वाली साड़ी पहन। नहीं कह दिया ना बस। पता है ये क्या चाहती थी? ये चाहती थी मैं साड़ी ने अपने हाथों से चुन कर दूं। You look beautiful. ये आज भी एक स्टार है। एक बात कहूं क्रिस्टल, तुम देख रही हो ये आज भी कितनी ग्लैमरस है। Oh, yes. बैठिए। क्रिस्टल, all yours. आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई? और कहाँ पर? एक फिल्म सेट। मैं ऑलरेडी एक बड़ी स्टार थी और ये एक न्यूकमर। ये बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल थी। सारे रोमांटिक सीन्स में इन्होंने बिना झिझक के साथ दिया। वो उटी वाला किस्सा याद है ना जान? ऑफ कोर्स। हम आउटडोर शूटिंग पर थे, कुछ गुंडों ने केके और मेरे बारे में ऊटपटांग बातें की, इन्होंने उनकी जमकर धुलाई की और फिर पता चला कि वो इन्हीं के किराए के टट्टू थे। क्या 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 ऐसा नहीं है? क्यों डार्लिंग, मुझे तुम्हारी वो बात बहुत रोमांटिक है। hey, hey, क्या बात कर रही है। अच्छा है ना कि के फिल्मों में वापस आ रहे हैं? ये अपनी फिल्म पूरी कर लेंगे ना? फिल्में तो बनती रहेंगी, मुझे भूख लगी है, चलो हम खाना खाएं। एक वक्त था जब मैं बहुत चिकन खाता था, अब मैं खुद चिकन जैसे दाने चुगता हूँ। परिवार जो साथ खाता है साथ रहता है। मॉम, टिकट्स कंफर्म हो गए। हेलो, रहने दो राहुल बेटा, हम यहीं रुकेंगे, तुम्हारे पापा को फिल्म की शूटिंग खत्म करने दो। राहुल, क्रिस्टल तुमसे बात करना चाहती है। ओए क्रिस्टल, तुमसे बात करना चाहती है। किस बारे में? तुम जानते हो किस बारे में? तुम्हें पता नहीं है मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है? तो उसका मुझसे क्या ताल्लुक? क्या हुआ, अब किस बात पे नाराज हो? चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ, अब खाना खाओ। अब मुझे चलना चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर लंच। राहुल, इसे गाड़ी तक छोड़ दो और ड्राइवर से कहो कि इसे घर छोड़ाए। नो इट्स ओके, मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है। थैंक यू। उसे गेट तक तो छोड़ दे। कल रात की पार्टी के बारे में अभी तक नाराज हो? Come on, अब तक तो तुम्हें इस सब की आदत हो गई होगी। मुझे इस सब की कभी आदत नहीं पड़ सकी। पर तुम्हें अंदाजा नहीं कि कैसा महसूस होता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ, ऐसा लगता है लोग मुझे घूर रहे हैं, हंस रहे हैं मेरी पीठ पीछे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम नहीं समझोगी, ये सिलसिला स्कूल से ही जारी है। सारे बच्चे या तो अपने फायदे के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं या फिर वो मुझसे बदतमीजी से पेश आते हैं। मैं कभी उन बातों को भूल नहीं पाया, मेरी गलती। I'm sorry, hey, sorry तो मुझे कहना चाहिए, मैंने कल रात तुम्हें थैंक यू तक नहीं कहा। तुमने मुझे बचाया उन चुड़ैलों से।
तुम तो एक बहादुर रानी। झांसी की रानी हूँ मैं। चलना चाहिए टैक्सी। अगर लड़कियों ने फिर तंग किया तो बुलाना। वेलकम वेलकम वेलकम। और बाप रे, वेलकम, आपका स्वागत है। पहले दिन स्वागत है। आइए आइए ना आइए। यहाँ ठीक है गुरुजी? उन्हें यहाँ रखने को बोल दूँ? रुको रुको, यहाँ ठीक है? कैमरा ले आओ। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना? बहुत बढ़िया रंजित। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लाओ लाओ लाओ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आपने कैमरे की जगह बता दी। गुरुजी आइए। अरे गुरुजी को देख लेने दो। इस एंगल में कौन सा? ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू गुरुजी। वेलकम क्रिस्टल जी, वेलकम। ये क्या है? रोज का वो पहले शॉट के साथ नारियल फोड़ता है ना, मैं कोकोनट, भगवान का प्रसाद, उनका आशीर्वाद जो चाहिए। ये हर रोज होता है? हर रोज मैं नारियल फोड़ता है, मैं पूजा करता है, नहीं तो फिल्म का बैड लक। आई सी, थैंक यू। बंकिंदा डायलॉग कहाँ है? लिख रहा हूँ बंदू। आज क्या शूट कर रहे हो? क्रिस्टल जी, यहाँ केके की एंट्री होगी कॉलेज में, जहाँ वो एक स्टूडेंट है। राज विद्या कॉलेज, ये इंडियन कॉलेज लंदन में। Got it. संभल कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शॉट था। मेरे ख्याल से ठीक था। देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। ठीक है गुरुजी? ठीक है, वेरी गुड। मास्टर जी, क्या बात है केके साहब, मजा आ गया। आपने तो कमाल कर दिया केके। केके को अपने स्टंट्स खुद करना पसंद है, काफी थ्रिलिंग है। क्योंकि मैं ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे डुप्लीकेट को बुलाना पड़ा ताकि मैं ध्यान दे सकूँ सीन पर। पर आपकी डुप्लीकेट एक औरत कैसे? देखो, औरतें ज्यादा जज्बाती होती हैं, वो करेक्टर को बेहतर ढंग से समझती हैं। डायरेक्शन का काम बहुत ही मुश्किल होता है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाकर थोड़ा मेडिटेट करना है अब। हाय हाय, क्या बात है। माय हार्ट गो धक धक ऑल द टाइम, लव का ये है डेंजर साइन। So charming, darling, hai re tu. So dashing, love warning hai tu. Kya style, maati hai re tu. What you are, nahi jaanti hai you. My heart go dhak dhak all the time. Love ka ye hai danger sign. Good, good. Thank you, thank you. KK sir, bahut achhe. बहुत अच्छे सर। ठीक है, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। ऊपर वाले की देन, बचपन से ही केके की रग रग में रिदम था। इसे डंडे से मार मार के मैंने डांस सिखाया है, बल्कि गाने के लॉन्ग शॉट और बॉडी क्लोजअप में मैं ही डुप्लीकेट करता हूँ अभी तक। क्या यार ये सनी, शादी का सीन बोलता रहता है। सर पर आजकल ये सीन जरूरी है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ?
राहुल तुम यहाँ पहली बार सेट पर? जी वो असल में छोटे सरकार आप आए हमारे सेट पर, खुदा की कुदरत है। हाय रैट। रैट? रत्नेश अंकल कैसे हैं आप? ठीक हूँ यार, तुम मुझे रैट क्यों नहीं बुलाते? रैट सर आप भी ना। तो इस फालतू जगह में तुम कैसे आ टपके? क्रिस्टल से कुछ बात करनी थी मुझे। ओ जरूर जरूर, क्यों नहीं, चलो अपने बाप को ना सही, क्रिस्टल को तो मिलने आया है। कहाँ है वो? हाँ वो रही क्रिस्टल। क्रिस्टल हाय। देखो राहुल तुमसे मिलने आया है। रत्नेश हम इन दोनों को अकेला छोड़ दें? अब बस भी कीजिए। तो राहुल क्या बात है? मैं ये तुम्हारे लिए लाया, सोचा ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में काम आएंगे। क्या है ये? जरा इसे पकड़ना। टन टन। ओह माय गॉड, ये तो केके की यादों का एक अनमोल खजाना है। वाओ, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? डैड का एक दीवाना फैन है यहाँ पर, वो ये सब इकट्ठा करता है। मैंने उससे ये खरीदा तुम्हारे लिए, मेरा मतलब शायद ये काम आ जाए तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में। ये तो बिल्कुल कमाल है, क्या मैं इसके पैसे? नहीं नहीं, दरअसल डैड की और भी कई पुरानी चीजें पड़ी है हमारे मुंबई वाले गोडाउन में, ढेर सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं। मैं तुम्हें ले चलूंगा वहाँ पर जब तुम मुंबई आओगी। राहुल समझ में नहीं आता मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे वहाँ जरूर ले चलना। हाँ बिल्कुल। क्या तुम आज अच्छा, मुझे चलना चाहिए। शूटिंग के लिए रुक जाओ। नहीं शूटिंग में बोर होता हूँ। थैंक यू। अच्छा फिर मिलते हैं। खाने को मंगवाओ। हाँ खाना मंगा लो, आज बहुत ज्यादा काम किया ना। हाँ वो तो है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं बहादुर के यहाँ खाना भिजवाती हूँ। ओके? ओके। तुम कहाँ जा रही हो? बस खाने का ऑर्डर देने। अच्छा अभी आई। हाय हाय। कम कम माय डार्लिंग। ये आंटी तो ओ माय गॉड, पूछो ही मत। तुम्हारी बॉडीगार्ड है ना। तो कल की छोकरी मेरी आंखों में धूल झोंकती है। हाँ आप यहाँ हैं? मेडिटेशन हो गई? आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, वो सीन जो अभी आपने किया कुछ घिसा पिटा नहीं था? क्या कहा, घिसा पिटा? केके का कोई भी काम घिसा पिटा नहीं होता। पर वो सीन थोड़ा सा दिखने में हाँ थोड़ी बहुत समानता हो सकती है इस सीन में और दूसरे में, पर केके की डायरेक्शन एकदम फ्रेश है। और एक बात है जो तुम्हें समझनी चाहिए, यहाँ के मासेस को चाहिए वो इंडियन इमोशंस, जो ओरिजिनल बॉलीवुड है, ना कि कॉपी तुम्हारे हॉलीवुड की। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ। खुश? कितनी बार कहा है आपसे कि ये गड़बड़ मत किया कीजिए हीरोइन लोग के साथ। तू बकवास मत कर रत्नेश, अगर सलीम भाई साला पुलिस के एनकाउंटर से डरकर दुबई भाग गया तो मेरी क्या गलती है इसमें? गलती? अरे सर जी जरा काबू रखना सीखिए अपनी पैंट की जिप पर। अब हमारे पैसे भी गए, हमारी हीरोइन गई और मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया। ओए तू केके का बॉस है या केके तेरा? बॉस तो आप ही हो जी।
पर मेरे सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग नंगे हैं, मुझ पर उंगली मत उठाइएगा। सर जी, मैंने आपका नमक खाया है और आज आपका थप्पड़ भी खा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिन भी देख रहा था मुझे। बुरा मान गया, उठ। तू मेरा प्राय यार, सॉरी यार, टेंशन हो गई। अब अपनी फिल्म अटक जाएगी ना? नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ओ, तू क्या संभालेगा अगर फिल्म ही डब्बे में चली गई? मैं मजाक बन जाऊंगा बॉलीवुड का, और अब तो मुझे फिल्में अपने पैसे डालने पड़ेंगे। अरे सर जी, कौन यहां साला अपने पैसे लगाकर फिल्म बनाता है, बताइए मुझे। तो फिर क्या करे? केके की इज्जत का सवाल है, सोच रत्नेश, सोच। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, राहुल को राजी कर। ओ यार, राहुल का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही फिल्म पूरी करेंगे। आप स्टोरी पर ध्यान दीजिए बस, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है बनकिमदा के साथ, वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। ओ यार, तेरा भी जवाब नहीं रत्नेश, कभी कभी तू केके से भी बढ़िया सोचता है, है? आओ यार, कौन है? हाँ जी। आओ दादा, आओ इधर बैठो। बोलिए, क्या खिदमत करूं? देखो दादा, ऐसा है, हमें उस लड़की को निकालना पड़ेगा, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लड़की है। अब आपको कहानी में एक नया सा ट्विस्ट लाना पड़ेगा। आ गया, आइडिया मिल गया। क्या? देखो, ये बॉलीवुड है मिस्टर, हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, आ जाइए सर। ये डेथ सीन थका देते हैं केके को, गला भर गया है। सर जी, पार्टी आ गई। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है। मैं चलूं साथ में? नहीं माय डियर, तुम आराम करो, ये एक बिजनेस मीटिंग है। तो असल में पिंकी एक आदमी है, हैंडसम बच्चा है। बेटा, अब अपने डॉलर दिखाओ, डॉलर दिखाओ। बाइसेप्स, बाइसेप्स दिखा, दिखा। इसे तो फिल्म में ही होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने रत्नेश भाई को बोल दिया रोकड़े की चिंता नहीं करने की, ठीक है? पर प्रियेश दिकरा को सबसे अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। बरोबर, करेक्ट। करेक्ट, बरोबर। तो एक थोड़ा सा हटके किरदार है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हिम्मत दिखाओ बस। अरे आप क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे बेटे में तो हिम्मत ही हिम्मत है। गुरुजी, 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 सब कुछ ठीक है। बार आपका बहुत बहुत आभार है। आओ जो, आओ जो, आओ जो साहब, आओ जो। चाल दिख रहा, चाल जाइए, चाल। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। देख भाई कितना है। आइए राइटर साहब, बैठिए, लिखिए। राज कॉलेज में प्रियेश
यानी राका से मिलता है और दोनों में दुश्मनी हो जाती है क्योंकि दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं। लेकिन केके जी लड़की कौन है? मधु। ये केके की नई धमाकेदार फाइंड है। और तुम्हारा नाम क्या है भाई? हाँ वो प्रिय, मेरे पापा ने इसमें इतने पैसे डाले, यू नो मैं। हाँ मधु, इट इज सच एन ऑनर कि मुझे केके जी के साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सर। एक मिनट मधु जी, एक सवाल मधु जी। मधु जी, केके जी ने आपको इस फिल्म के लिए कैसे साइन किया? अरे केके तो असली हीरा परख करने में माहिर है। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने मेरा एक डांस परफॉर्मेंस देखा था चेन्नई में पिछले महीने और कल रात उन्होंने मुझे फोन करके ऑफर दिया। सब लोग ने कहा हाउ यू कैन से ना टू केके सर, तो मैंने हाँ कर दिया, फ्लाइट ली और आ गई। मधु जी, इस फिल्म में आपका रोल क्या है? ये तो डायरेक्टर की एक्ट्रेस है, जो मर्जी करवा लो, स्विच ऑन स्विच ऑफ। केके जी, हमें ये बताइए कि इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? जर्मी जरा परे हट। देखो केके दसवां डबल रोल कर रहा है अपने करियर का। डबल रोल पर क्यों? क्योंकि माय डियर विजय और पिंकी का बेटा राज बड़ा होकर डुप्लीकेट बनता है विजय का। है ना बिल्कुल बॉलीवुड। प्रियेश, आपका क्या रोल है इस फिल्म में जब केके जी का ही डबल रोल है? ये बहुत ही कठिन रोल है। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि अपनी कैरियर की शुरुआत में ही मुझे इतना हटके रोल मिला है इस फिल्म में, ताकि मैं अपना पूरा हुनर दिखा सकूं। यस यस, इसका बहुत ही धमाकेदार रोल है। अच्छा बहुत हो गई गपशप, अब हमें थोड़ा काम भी कर ले दो। कम कम माय डियर। ओए तू कहाँ आ रहा है? तुम जाकर अपनी कसरत करो, ठीक है? कम। ये मीडिया के सारे सवाल कितना थका देते हैं। यस सर। मैं हमेशा रिलैक्स करता हूँ मेडिटेशन से। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा है। तुम्हें भी करके देखना चाहिए कभी। चलो अभी करके देखते हैं। तुम ही हो वो। उनके कहने तक मैं ये जानती भी नहीं थी कि मुझे फिल्मों में काम करना है। केके जी अच्छे जौहरी हैं, उन्हें असली हीरे की पहचान है। आप अचानक गायब हो गए केके जी, क्या होगा शूटिंग का? इतना खर्च हुआ है लंदन में अभी? अबे जाना साले। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर, आप प्लीज वापस आ जाइए सेट पर, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जर्मी, तुम जल्दी आ गए। राची, केके कहाँ है? मैडम वो बस आ रहे हैं। कहाँ से? आप इतने सारे इंटरव्यू करती हैं, आप कुछ और इंटरव्यू लीजिए ना यूनिट के लोगों का। गुड आइडिया। या राची, तुम केके के साथ उनके करियर के शुरू से हो ना? जी हाँ यही सही है। किसी और के साथ काम करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, बीच-बीच में मतलब बीच-बीच में मैंने दूसरों के लिए काम किया, फिर मानो जैसे मैं केके जी के परिवार में शामिल हो गया। क्यों, आपकी खुद की फैमिली नहीं है क्या? नहीं, मेरी फैमिली है ना। मेरा एक छोटा भाई है कानपुर में। नहीं, मेरा मतलब है बीवी बच्चे। केके जी मुझे कहीं जाने ही नहीं देते ना, वो कहते हैं अरे भाई रत्नेश मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा। देखिए जी, जब बॉस आप पर इतना भरोसा करते हो तो सेक्रेटरी को भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने आज तक शादी ही नहीं की। करना चाहते थे? 5 सालों तक मेरे भाई मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढते रहे और वो लड़की मिल भी गई, बहुत खूबसूरत। लेकिन फिर ये फिल्म आ गई और अब मेरे जीवन साथी मेरे बॉस ही हैं। वो रत्नेश लेकर आता था केके को छोटी मोटी शादियों में, पार्टियों में, फंक्शंस में, मेजबान से पैसे लेता और डाल देता उसको फॉरेन अकाउंट में। केके की तो जैसे वो बन गया है वाइफ। और रेटी, उम्मीद है तुम केके के बारे में अच्छी बातें बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप यूं ही अचानक किसी को बिना बताए घूमने चले गए? ओ रत्नेश, क्या तुमने बताया नहीं था क्रिस्टल को? थोड़ा आराम करने का मन था, सोचा रिचार्ज कर लूं अपनी बैटरी। आपकी बैटरी खुली है क्या? जिप जिप। ओ ए हट। ए सनी, मैं अभी आया 5 मिनट में। आप आराम से आइए सर। बहादुर प्रियेश को बुलाओ, उसको बोलो शॉट रेडी है, जाओ जल्दी।
देखो सही दिया रिएक्शन। हाँ वीरू तू भी ठीक था। और हाँ हाँ चल मर गया लगता है मेरा जबड़ा टूट गया। हाँ बराबर बराबर है। हाँ मेरा दिकरा अभी एक फिल्म कर रहा है ना, बहुत बड़ा पिक्चर है, हीरो का काम कर रहा है। पापा अब तू जूझ है, मैं उस बूढ़े घुसर से मार नहीं खाऊंगा। अरे बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो यहाँ बैठो। हाँ सुधर बेटा तने बोल तो कोई मारू तने, मैं सब ठीक कर देता हूँ, चिंता मत करना। कहाँ है वो फाइट मास्टर? असलम भाई क्या हुआ बॉस? मेरे दिकरे को मारा, तुमने मेरे बच्चे को मारा। अरे विलन को नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? मैं विलन? पापा क्या मैं विलन हूँ इस फिल्म में? नहीं नहीं दिख रहा, तुम परेशान मत होना, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। के क्या हुआ? ओ जोर से लगा। क्या मेरा बेटा विलन है? पर मैंने तो आपसे कहा था ये एक हटके किरदार है। शू? क्या हटके? तुम तो इसको दे रहे हो जोर जोर के फटके। सांभर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हीरो हो। पर केके की फिल्म में केके ही हीरो होता है। ऐसा है क्या? तो ये फिल्म में काम नहीं करेगा, जाओ नहीं चाहिए। बेटा फिकर मत कर, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर रोल खरीदूंगा, चल जाइए। भूख लगी ना? चलो ढूंढ लगाते हैं। कृष्ण जी प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। आने दो उसे भी, ये भी धक धक परिवार का एक हिस्सा है। हाँ जी हाँ जी बैठिए बैठिए थोड़ी चाय। नो थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अब तो हमें पैसों के लिए ये जगत भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे वो तो ठीक है, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करें उस राका के करेक्टर का। मैं आए? हाँ कहो। राका का एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग सोचते हैं कि वो मर गया, पर वो जिंदा है। वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सालों बाद वापस आता है, एक नया चेहरा और नए नाम के साथ। शाका? शाका शाका एक बड़ा डॉन है और अब पेरिस में रहता है और बदला लेना चाहता है राज और मधु से। यस, राज और मधु का एक बेटा है गोपाल, जिसे राका यानी शाका फंसाता है, उसे गलत राह पर ले जाता है। गोपाल के पिता राज और दादा विजय अब बेबस हैं। क्या बात है, पर कौन बनेगा तीसरा हीरो, गोपाल? बोली है यार, बहुत बोली है। तो सांप शाका से हाथ मिलाएगा? सो व्हाट पापा, आप मुझे बिजनेस के लिए फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं, लेकिन शाका अंकल मुझे बराबर का हिस्सेदार बना रहे हैं। जा रहा हूं। हे भगवान ये क्या अनर्थ है। हेलो माँ। हाँ कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ माँ, अभी मैं अपना दूसरा सीन ही करने जा रही हूँ, मैं केके जी का माँ बनी हूँ। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या सच्ची? हाँ सच्ची? अयो सच्ची? सर। कम कम माय डियर। आहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अभी भी मस्ती के मूड में हो। अच्छा अब तुम्हें अपना कॉस्ट्यूम बदलना होगा, वो माँ बेटे का सीन जो करना है ना। सर आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। समझ गया सर। बाद में आना है। जी सर। कम कम माय डियर, आओ यहाँ बैठो। नहीं सर यही ठीक है। ठीक है केके को बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है।
केके झट से सॉल्व कर देगा। सर मैं नहीं कर सकती फिल्म। क्या? यस सर, सारी सर पर मुझे एक बहुत बड़ी बॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई है बॉम्बे में, ए सोलो रोमांटिक हीरोइन। अगर मैं आपकी फिल्म में माँ का कैरेक्टर करूंगी तो सर मेरा चांसेस खराब होगा ना। तो पर तुम केके की खोजो, वो तुम्हें लंदन लाया। लंदन? हाँ सर, पर आप बूढ़े, मेरा मतलब सीनियर स्टार ना सर। और सर इतने सारे फ्लॉप सर, पर वो दूसरा हीरो एकदम ब्रांड न्यू, विक्की खान सर, और सब कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है। How dare you? पर सर मैं एक ईमानदार औरत हूँ सर, मैं आपके पैसे का एक एक पाई लौटा दूंगी। सवाल पैसे लौटाने का नहीं है, समझी? केके ने एक गाना और सीन शूट किया तुम्हारे साथ, अब तुम फिल्म नहीं छोड़ सकती, मैं केस कर दूंगा। अब क्या करें सर, मुझे एक जवान स्टार के साथ ब्रेक मिल रहा है ना सर, और सर ये मेरे लिए बहुत अच्छा ब्रेक होगा, आप मेरे फादर की तरह हैं सर। केके जी, मधु को क्या हुआ, वो कहाँ चली गई? देखो केके हॉलीवुड स्टाइल में काम करता है, वहाँ पर एक ही एक्टर एक करेक्टर की हर उम्र नहीं निभाता, तो जवान मधु बूढ़ी मधु अलग होती है। पर केके जी आप तो हर उम्र का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में। केके में काबिलियत है, जैसे कि महान रॉबर्ट डी नीरो जिन्होंने डॉन कॉर्लियानो का रोल किया था तीनों गॉडफादर फिल्मों में। चुप हो, क्या बकवास कर रहा है तू? बॉस जगत भाई ने कहा है कि फिकर नॉट, मैं हूँ, मतलब वो है पूरी तैयारी में। अरे उसके कोई बच्चे या गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे ना ना ना, मैं चेक कर चुका हूँ, सिर्फ एक शादीशुदा बेटी है और कोई नहीं। और तू मुझे किसी शादी की पार्टी में डांस तो नहीं करवाएगा ना? ओ, तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ, एक मिनट। भाग रहे हो मुल्क छोड़कर? दादाजी अब यहाँ रखा है क्या है? क्या इसलिए मैं इन अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा था कि आज के नौजवान गलत रास्ते से पैसे कमा के अपने देश को बदनाम करें? मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ये पाप की कमाई लेके जाने नहीं दूंगा। तूने अपने दादाजी को मारा। माइकल! तूने क्या किया? तूने अपने बेटे यानी मेरे पोते को मार डाला। राज, गोपाल, 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 हे भगवान, गोपाल कट इट। कमाल कर दिया सर, बहुत अच्छे। सर चाय लेंगे या जूस? बहादुर चाय लेकर आ, अदरक डाल के जल्दी। सुपर हिट सर, आइए बैठ। हाय,
सर जी एक मिनट, वो बहुत अच्छा शॉट था सर, पर हमें एक और करना पड़ेगा सर, एक छोटा सा प्रॉब्लम था सर। हाँ क्या? हाँ सर, नहीं सर मेरा मतलब कि क्लाइमेक्स हो गया और एक भी शादी का सीन नहीं किया सर, ये ठीक नहीं है ना। तेरी तो शादी का सीन, ओए रत्नेश भगाए से यार। देखा, हम लोग एक बड़ी हैप्पी फैमिली की तरह है। वो शॉट काफी मुश्किल था, पर आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, विजय उतना बूढ़ा तो नहीं था। यस यस, पर केके ये जानता है। देखो वो इतना ज्यादा इमोशनल डायलॉग था, और वैसे भी किसी को याद नहीं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कब हुआ। आज देशभक्ति के डायलॉग बड़े पॉपुलर हैं बॉलीवुड में, वो बहुत जरूरी होते हैं सीन के क्लाइमेक्स में, फिल्म में। और माय डियर, ये इत्तेफाकन फिल्म का आखिरी शॉट था, शूटिंग खत्म हो गई ऊपर वाले की दया से। अब हम इसे बहुत शानदार ढंग से रिलीज करेंगे इंडिया में। अपना सर संभालना। ये तो कमाल है, इतनी सारी अनमोल चीजें यहाँ रखी हुई है। हाँ। ऐसे यहाँ इतने कबूतर क्यों हैं? अरे वो तो हमेशा आते हैं। मेरी फेवरेट फिल्म। अच्छा। ओह वाओ, ओह माय गॉड, ये तो सिटी बॉय और गांव की गोरी के कॉस्ट्यूम्स हैं। ये कितने खूबसूरत हैं। ये मुझ पर कैसी लगेगी? बहुत अच्छी। राहुल, ये पहन लो ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत गंदा है। प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ओके। कहाँ जा रही हो तुम? अभी आई मैं। शहरी बाबू बाबू, मैं हूँ गांव की गोरी, गोरी ते गोरी ते गोरी, प्यार हुआ है हम दोनों में, लुक छुप चोरी चोरी, चोरी ते चोरी ते चोरी, गोरी ते गोरी ते गोरी। I am the boy from the city, you are my village beauty, baby oh baby oh baby, you and me a brand new story, falling in love so slowly, slowly oh slowly oh slowly, sorry oh sorry oh sorry. अरे बाबा, sorry नहीं, चोरी चोरी। Oh yeah yeah yeah, चोरी। तोहरे रंग रंगी रे साजन, मोरी चुनरिया कोरी, कोरी ते कोरी ते कोरी, प्यार हुआ है हम दोनों में, लुक छुप चोरी चोरी, चोरी ते चोरी ते चोरी, बेबी ओ बेबी ओ बेबी, चोरी ते चोरी ते चोरी, बेबी ओ बेबी ओ बेबी। एक अरसे बाद इतना मजा आया, पता नहीं क्या हो गया मुझे। क्या? कुछ नहीं। Come on, बताओ भी। तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मेरा मतलब जब तुम डांस कर रही थी, बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह। और तुम्हें देखकर तुम्हारे पापा की जवानी का चेहरा सामने आ गया। Bless you. धक धक होता है फादर इंडिया का दिल। आपने टाइटल बदल दिया? ये अच्छा है ना? आजकल बॉलीवुड में पसंद करते हैं लॉन्ग टाइटल। धक धक होता है फादर इंडिया का दिल,
और इसे आसान कर देते हैं, जैसे कि DDHHFIKD। केके जी, क्या आप खुश हैं DDHHFIKD से? हमने सुना है कि स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस थे। बेशक केके खुश हुआ है। और जहाँ तक अफवाहों का सवाल है, वो तो सिर्फ अफवाहें हैं। केके के पास बाउंड स्क्रिप्ट थी, बेशक हमारे कलाकारों ने अपनी राय दी और फेर बदल किए गए, पर देखिए हमारी फिल्में स्क्रिप्ट के आधार पर नहीं बनती। रिक्की भी कितने फेर बदल करता है। रिचर्ड एटनबरा, वो आया था फिल्म बनाने लॉर्ड माउंटबेटन पर और बना ली फिल्म गांधी पर। कमाल है, क्या महान फिल्म बनाई थी उसने। भाई माउंटबेटन को भी इतने ऑस्कर नहीं मिले होते। वेलकम। एक मिनट, आइए जगत भाई। काम काम लवली। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भाई, लोग बहुत धमकी देते हैं, दिन भर फोन की घंटी बजती रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें थोड़ी और पब्लिसिटी करनी चाहिए, हॉट कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी? हाँ। जगत भाई कोई आइडिया दीजिए मुझे। अरे आइडिया तो तुम्हारे पास होने चाहिए, कुछ सोच लो तुम। अच्छा सुनो, अगले महीने मेरे भतीजे की शादी है पेरिस में, तुम्हें आना होगा। तुम्हारा एक सॉन्ग एंड डांस आइटम होगा तो वो शादी हिट हो जाएगी। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका भतीजा मेरा भतीजा, हम एक परिवार जैसे हैं। जगत भाई एक मिनट, इसको तो अब मैं पेरिस में जाकर भांडगिरी करूंगा। नहीं, यार आपस का प्यार है हमारा, ऐसे अच्छी तरह समझ आए इसकी। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई भी दुश्मन मेरे काले बालों को सफेद नहीं कर सकता। राज बेटे, ये तूने क्या किया? तूने अपने बेटे यानी मेरे पोते को मार डाला। बहुत अच्छे सर, माइंड ब्लोइंग। देखे साहब, मुबारक हो। थैंक यू, सुपर हिट फिल्म। आपकी क्या राय है फिल्म के बारे में? यूजलेस, एकदम बकवास फिल्म केके ने बनाई है। वो सारी फॉरेन बकवास, फॉरेन का दुश्मन, फॉरेन कंट्री। शह, टाइम बर्बाद किया अपना। उसने क्या पब्लिक को उल्लू समझ रखा है? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे शो पर जिसका नाम है बॉलीवुड अनलिमिटेड। दर्शकों, आज के गेस्ट हैं एक्टर करण कुमार, द किंग ऑफ बॉलीवुड की कमबैक फिल्म DDHHFIKD। जी हाँ, DDHHFIKD। सुना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है, पब्लिक ने इसे पसंद नहीं किया है और पत्रकारों ने भी इसकी कुछ खास तारीफ नहीं की है। ये सब दुश्मन मुल्क का प्रोपेगेंडा है, उन्हें केके की वापसी से बहुत खतरा है। फिल्म ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया है मुंबई और दिल्ली में भी, वो और भी बेहतर चलती अगर उत्तर में ठंड ना होती और दक्षिण में बारिश ना होती, जिसकी वजह से कलेक्शन कम हुई है। ऊपर वाले की मर्जी है, कितने थिएटरों में लोग नाच रहे थे, स्क्रीन पर सिक्के फेंक रहे थे। केके ने ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाई, ये बनी है ग्लोबल इंडियन ऑडियंस के लिए जो डॉलर और पाउंड्स में पे करते हैं। इसने बढ़िया बिजनेस किया है ओवरसीज में। दो एशियन थिएटर लंदन में और एक न्यू जर्सी में, यही तो केके की सारी ओवरसीज मार्केट है। मान या न मान हम करते हैं ऐलान, ये है अपनी शान, ये अपना है जीना, है
बार हम ही बस जीतेंगे। देखेंगे लोग नाचूंगा जो स्टारों का स्टार बन के मैं। तुमान या न मान हम करते हैं ऐलान। लेडीज एंड जेंटलमैन, के जी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी नॉमिनेशन हुई है इन नॉट वन नॉट टू बल्कि 7 कैटेगरीज में। उरी बाबा, उसने ये सब कैसे किया? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मैंने सुना है कि उसने एडिटर की बीवी को कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम दे दिया है अपनी अगली फिल्म में। और जाहिर है ऑल बेस्ट एक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जाता है श्री एस कुमार को अपनी फिल्म जीवन के रास्ते के लिए। के जी ये ऐसे चिल्ला रहे जैसे इसने जैकपॉट जीत लिया। आपको जीत मुबारक हो मिस्टर एस कुमार। बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड जीता है बॉस्को फर्नांडिस ने फिल्म देश का लाल के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है राजू सिंह फिल्म फिर आया सावन के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल है तारा संपत फिल्म 10 फुट 1 गली के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है रवि ठाकुर। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है रवि मल्होत्रा को फिल्म गली का कुत्ता के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आ पहुंचे हैं इस शाम के सबसे अहम अवार्ड पर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और इसे देने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं हमारे डैशिंग हीरो पृथ्वी। वेलकम। और इसमें नॉमिनीज हैं मिस्टर सुमित कुमार फिल्म डिस्को में लाश के लिए, मिस्टर विक्की खान फिल्म बॉलीवुड का बादशाह के लिए। मिस्टर हेमंत कुमार फिल्म बेवकूफ के लिए। हेलो, कौन बोला? मिस्टर शैलेश सिंह छक्के पे छक्का के लिए। मिल गया। और करण कुमार फिल्म DDHHFIKD के लिए। अरे आप बैठ जाओ। क्या कर रहे हो भाई? अरे नॉमिनीज का नाम आया है। मैंने क्या हुआ? स्टेज पे पहुंच गया। क्या है बुड्ढा? ये पकड़ो। और इस साल का बेस्ट एक्टर है नौजवान जाबाज विक्की खान बॉलीवुड का बादशाह। केके जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि हम नहीं जीते। ये देखा तुमने? तुम एक जोक हो, घटिया मजाक बन के रह गए हो बॉलीवुड में। आखिर किसे बेवकूफ बना रहे थे? तुम कई सालों से बाहर नहीं निकली हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल बाहर कैसे लड़ाइयाँ जीती जाती है? के सबको पता है तुमने इस अवार्ड को जीतने के लिए कितनी हेराफेरी की। ये सिर्फ एक आखिरी कोशिश थी खुद को। के, तुम इस नौटंकी से अब तक थके नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? तुम एक घुसरा हुआ कल हो। उन्होंने तुम्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर इज्जत से रुखसत किया था। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि राहुल वो गद्दी संभाल ले जो मैंने छोड़ी है। मैं तो सिर्फ उसकी भलाई चाहता था, अपने परिवार की भलाई।
I'm sorry, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। राहुल, जो कुछ मैं कर सकता था तुम्हारे लिए वो सब कुछ मैंने किया। अब मैं इस सफर के अंत पर आ गया हूं। क्या ये सफर यहीं खत्म होगा? मैं हार गया। हाँ, मैं हार गया हूँ राहुल। हो सके तो मुझे माफ कर दे। आपके बाल, आप विग पहनते हैं? I'm sorry, मेरा मतलब सॉरी, मैं बाद में आ जाऊंगी। केके, नहीं नहीं नहीं, कम कम प्रिटी गर्ल, आओ मेरे साथ बैठो, कम। केके एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर सोच रहा था और उसे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स केके। एक बात सच सच बताओ, तुम्हें कैसी लगी DDHHFIKD? हो सकती थी बेहतर। मुझे भी यही लगा। तुम और मैं सच्चे कलाकार हैं और कलाकार को कभी संतोष नहीं होता। इतने सालों तक मेहनत की और फिर शायद हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता है, लेकिन केके की तकदीर का अंत कौन लिखेगा? उम्मीद है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने में मजा आया होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हमने काफी कुछ शेयर किया है कि नहीं? आप मुझे बॉलीवुड के करीब ले आए और मैं हमेशा से चाहती थी कि क्रिस्टल, तुम इतने दिनों तक केके की जिंदगी का हिस्सा बनी रही। तुम केके को अच्छी तरह पहचानती हो, कमजोरियों को जानती हो। अब तुम बॉलीवुड को पहले से बेहतर जानती हो। ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, अजीब है, लेकिन लेकिन इसमें एक जोश है। मैं चाहता हूं तुम इसका हिस्सा बन जाओ। कैसे? ना समझ लड़की, केके तुम्हें रोल ऑफर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अगली फिल्म की हीरोइन बनो। केके तुम्हें लॉन्च करना चाहता है। केके को असली हीरे की परख है। हाँ, पर मैं... अच्छा सच सच बताना, क्या तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा कि तुम एक फिल्म स्टार हो? सब तुम्हें पूछते हैं। नहीं नहीं, मैंने कभी भी... भाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होने से तो बेहतर है तुम मेरी बात मानो। रत्नेश, मैडम का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी। पर केके, मैं ये... तुम मुझे इनकार करोगी? केके को? पर राहुल इस बात से बहुत खुश होगा। राहुल? नहीं डैड, मैं आपकी ये बात नहीं मानने वाला। मैं आपके पब्लिसिटी मशीन का पुर्जा नहीं बनने वाला। क्या मतलब है ऐसी बातों का? पुर्जा कहता है कौन? बेवकूफ करोड़ों देता है एक पुर्जे को। राहुल, दूसरे भीख मांगते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपनी आत्मा बेचते हैं और तुम्हें स्टारडम थाली में परोसा हुआ मिल रहा है और तुम इनकार कर रहे हो? हाँ, देखो अपनी माँ को, कितना टैलेंट, कितनी तारीफें मिली इसे, इसने सब छोड़ दिया तुम्हारी खातिर। ये वक्त है उसके एहसानों का बदला चुकाने का। उसकी खातिर मान जाओ, फक्र होने दो उसे तुम पर। राहुल, मैंने कई सालों तक मेहनत की है अपने परिवार को ये ऐशो आराम देने के लिए, ये सल्तनत खड़ी करने के लिए। सुनो बेटे राहुल, जो कुछ भी मैं कर सकता था वो सब मैंने किया, पर अब मैं इस सफर के अंत पर आ गया हूं। क्या मेरे अपने बेटे को, अपने खून को मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रहना चाहिए? मेरे नाम को जिंदा नहीं रखना चाहिए? क्या मेरी तकदीर का ऐसा अंत होना चाहिए?
राहुल, मैं आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो अपनी इज्जत वापस पाने का। मुझे बिल्कुल हारने मत दो। एक बार करके देख लो राहुल। तो मैं बता दूं कि क्रिस्टल वो लड़की है जिसे केके ने तुम्हारे ऑपोजिट साइन किया है हीरोइन के रोल के लिए। क्रिस्टल, तुमसे बात कर सकता हूं अकेले में? गए क्या? ये इमोशनल सीन तैयार करने में जान निकल जाती है। कृष्ण, क्या तुम पागल हो? अब तुम फिल्मों में आना चाहती हो? उन्होंने तुम्हें राजी कैसे किया? राहुल, तुम समझते क्यों नहीं, बॉलीवुड में एक जादू है, वो सारे फैंस, वो नाम इतिहास में एक जगह बनेगी। राहुल, कोई बेवकूफी मना करेगा? तुम मेरे डैड की तरह बोल रही हो। और जरा सोचो, हम दोनों एक साथ कितना वक्त बिताएंगे। समझा, अब समझा। क्रिस्टल, वो नहीं चाहते कि तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करो। तुम बहुत कुछ जान गई हो, उनके सारे राज खुल जाएंगे, और वो इतने जिद्दी हैं, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जरूर पूरी करूंगी। जरूर होगी पूरी। क्रिस्टल, तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? तुम देख सकती हो उन्होंने क्या किया है। उन्होंने तुम्हें भी हिस्सा बना लिया इस बेहुदा सिस्टम का। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो राहुल, हम सब पहले से ही सिस्टम के हिस्से बन चुके हैं। तुम, मैं, ये मीडिया, ये पब्लिक, हम सब का हाथ है बॉलीवुड को जिंदा रखने में। क्या पट्टी पढ़ाई है। बॉलीवुड का मतलब है लोगों को सपने दिखाना और झूठ को सच में बदलना। इसे इतने करीब से देखने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है, बहुत सोच समझ कर। लेकिन इस सफर में मुझे एक साथी की जरूरत है, क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते? पर क्रिस्टल, ऐसा है कि मैं राहुल, कह दो जो कहना चाहते हो तुम। क्रिस्टल, आई लव यू, आई लव यू। जाली गुड बॉलीवुड केके की नई फिल्म। बड़े फख्र के साथ मैं पेश करता हूं केके की नई खोज, चांदनी। राहुल। हेलो मुंबई। हेलो दोस्तों। वैसे तो केके भी एक बहुत बढ़िया रोल करने वाला है इस फिल्म में, जो उसकी उम्र को सूट करे। माफ कीजिएगा केके जी, आप कौन सा रोल निभा रहे हैं? राहुल का बड़ा भाई। क्या ये लव ट्रायंगल है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और अब आज शाम का सबसे बड़ा सरप्राइज, केके जी, मंदिरा जी का क्या रोल है इस फिल्म में? ये चांदनी की माँ है। ये एक बेहतरीन किरदार है जो सूट करता है मंदिरा जैसी बड़ी कलाकार के लिए। फिल्मों में वापस आने का फैसला क्यों किया आपने? वापस? पर मैं गई कहाँ?
एक एक्ट्रेस अगर कुछ साल काम नहीं करती तो क्या वो एक्ट्रेस नहीं रहती? मैं तो हमेशा ही अपने फैंस के दिलों में। आपके ख्याल से इस फिल्म का फ्यूचर क्या है? ये बेशक एक सुपर डुपर हिट पिक्चर होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी फॉर द किंग। Baby, I am the king of Bollywood. I'm good, too good. Hit ki guarantee hoon, jubilee ki warranty hoon. I am superstar, making comeback ek aur baar. Touch wood, touch wood. Oh, I am the king of Bollywood. You are the prince of Bollywood. नए जमाने का रॉबिन हुड। I will make you blue-eyed boy. I will make you every girl's toy. तुझ में टैलेंट, तुझ में विल। Come on, पुत्तर, go for the kill. Touch wood, touch wood. I am the king of Bollywood. I'm good, too good. ओए, वाइड शॉट में क्यों खड़ी है? Come close up. You are my new discovery. Oh, my sweetie, lovely bubbly. Bollywood ka seekh le funda, little disco, little bhangra. Oh, show them your latke, thatke, your films will all be hatke. Oh, baby, I am the king of Bollywood. I'm good, too good. Oh, my darling dream girl, my only woman in this world. You are my son's mother, but I look just like his brother. I have launched your new career, we will break all barrier. Oye, bhool gaye kya touch? Touch wood, touch wood. I am the king of Bollywood. I'm good, too good. Hit ki guarantee hoon, jubilee ki warranty hoon. I am superstar, making comeback ek aur baar. Touch wood, touch wood. Oh, I am the king of Bollywood. Long live the king.